रियाव लॉक के लिए जोरदार क्लैप। जिया जो है हमारे कहाँ से है जिया भाई आप? सर जी फिर रहने वाले तो हम यूपी इलाहाबाद से हैं, लेकिन हम सऊदी अरब मक्का में काम करते हैं। मक्का में, तो आप यहाँ से सऊदी अरब में हमारे चैनल को फॉलो कर रहे थे कि कैसा आए आप यहाँ तक आए? कैसे चैनल में काफी दिन से फॉलो कर रहे थे, और हमारे ताहिर भाई हैं, थैंक्स ताहिर भाई आजमगढ़ से, उनसे मैंने बात किया था तो उन्होंने बताया था कि जो है तुम चले जाओ, जा करके देख लो और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनकी बात की को सुन करके मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा करियर लगभग 7-8 साल का करियर था ये पूरा, जब से मोबाइल फोन रिपेयरिंग स्टार्ट किया है, और इन 7 सालों में मैंने काफ़ी काम किए, लेकिन उसके बीच बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ोन वापस जाते थे। यहाँ पर आया फर्स्ट डे से मैंने जो है यहाँ पर जो सागर सर हैं जिन्होंने जो है प्रैक्टिकल की जो थ्योरी बताई, जो ट्रिक बताई, तो फर्स्ट टाइम पहली बार में जो है CPU और EMC मैंने उसको डन किया पहले ही फ़ोन, तो इनका ट्रिक बहुत अच्छा है। तो मैं फ़िलहाल रिकमेंड करूँगा कि जो है ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन के इसमें अगर आगे जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आँख बंद करके यहाँ पर आ जाएँ। और यहाँ पर तो आपको जो है सबसे पहले तो थ्योरी मिलती है जो हमारे फिरोज सर देते हैं, बहुत अच्छी थ्योरी देते हैं, थ्योरी देंगे उसके बाद आपको सर्किट डायग्राम वगैरह स्कैमेटिक्स सारी चीज़ें बताते हैं, डिटेल्स बताते हैं, और एक बार नहीं आप 3-4 बार पूछेंगे तो भी आपको जब तक क्लियर नहीं होता एक सब्जेक्ट तो उसको आगे नहीं करते हैं, उसको स्किप नहीं करते हैं, उसको पूरा करके उसको फिर आगे जाते हैं। तो थैंक्स फिरोज सर, थैंक्स सागर सर, और हमारे पीछे शिवा सर हैं जो इनका भी हैंड स्किल बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर क्लास में एवरी टाइम अवेलेबल होते हैं और बच्चों को वॉच करते रहते हैं बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं। तो सारा ये जो सफ़र रहा 20 दिन का बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा, सब अच्छे दोस्त मिले, बहुत सारे लोगों से जान पहचान भी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी सीखे अब इतने दिन सॉफ्टवेयर में ताहिर सर से। सॉफ्टवेयर में तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है, सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरी सीखना है। और ताहिर सर जो है जिनका तौफीक सर जो है जिन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर का 5 दिन का क्लास, सॉफ्टवेयर में इतना कुछ सीखने को मिला कि मतलब सोच भी नहीं सकते हम। तो ऑल ओवर पैकेज की हम बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और आपकी थ्योरी सब बहुत ज़बरदस्त है। अभी जो काम वापस जा रहा था करेंगे जाकर के? अभी तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, अभी तो फिलहाल एक भी फोन वापस जाने नहीं देंगे। वाह इतना कॉन्फिडेंट आया, ऐसा कोई फेक बात तो नहीं बोल रहा? नहीं कोई बिल्कुल फेक बात नहीं है, सब अपने हाथ से किया हुआ है ना, कुछ अगर देख के अगर हम करते हैं तो नहीं, अपने हाथ से सब कुछ। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूँ आपको, बहुत सारे जगह पे सिर्फ टीचर काम करते हुए दिखेंगे आपको, यहाँ पे अलग क्या लगा आपको कि हर बच्चा यहाँ पे काम किया हुआ है? यहाँ पर जो फ्रेशर बच्चे हैं जो जिन्होंने कभी फोन को पकड़ा भी नहीं, वो 1-2 बार में जो है CPU और MMC को रिवॉल्व करके डाल के फ़ोन को ऑन कर रहे हैं, फ्रेशर बच्चों की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि ये फेक बात है। हमारे सामने तो हमारे बैच में 1-4 बच्चे ऐसे जो फ्रेशर है बिल्कुल, कभी उन्होंने फ़ोन भी नहीं पकड़ा, तो वो लोग भी जो है जब कर सकते हैं तो बाकी जो रनिंग में जो काम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में काम देख रहे हैं जो कर रहे हैं, तो वो अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं कंप्यूटर्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आग बन करके यहाँ पर आ जाएँ। चलिए बहुत अच्छा लगा, एक बार इनके लिए 2000 क्लैप दिया वाला, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रोहन अकदारी के लिए 2000 क्लैप। रोहन महाराष्ट्र से आप? चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर, थोड़ा दो अल्फाज बताओ मराठी में। मराठी तो नहीं सर। अच्छा समझती है बस। अच्छा जैसा भी क्या बोलना चाहेंगे, कोई आपके महाराष्ट्र से या कहीं से भी आना चाह रहे इंडिया में? बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट है, आना चाहिए सबको यहाँ पे। यहाँ पे कोई रहने वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको? नहीं बिल्कुल नहीं सर। और इंस्टीट्यूट में जो सोच के आए थे मिला आपको? हाँ बिल्कुल सर, मेरा रिलेटिव भी है सर यहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ ना रहते हुए यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे ही रुके थे। और ये बोलो पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया? बहुत डिफरेंस है सर। कॉन्फिडेंट की अगर बात करें, पहले जब काम आ रहा था आपके पास वापस जा रहा था, क्या हो रहा था? अच्छा पहले कभी काम नहीं करते थे? काम नहीं किया, मेरे पास ऑलरेडी काम है का। अभी कोई ऑन फोन पे काम करने डर तो नहीं लगता? लगता तो नहीं सर, थ्योरी में तो मेरा अच्छा है, डायग्राम वगैरह बनाए आप लोग और प्रैक्टिकल में भी काम करें, ऑन फोन पे काम करें यहाँ पर? हाँ किया ना सर। CPU वगैरह डालें? डाले सर। ऐसा अंदाजे से तो नहीं लग गया? नहीं सर, खुद से लगाए ना। तो और एक चीज़ है, अभी आप बिल्कुल फ्रेशर है, जाके कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहना है।
ठीक है, फोन भी करेंगे, दिक्कत जाएगी तो हाँ मैसेज करो, फोन करो। और एक बात है, कंटिन्यू डायग्राम फॉलो करना है, हैंड स्किल पे काम करते रहना है, हैंड स्किल ही थोड़ा देखते हैं। हाँ, और एक ऑप्शन आप लोगों के पास ये भी है, 6 मंथ में कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं एक और बार अपडेट होना चाह रहे हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं, सबको ऑप्शन है। मालूम ही है आपके बैच में पुराने बच्चे आए थे नहीं कि नहीं आए थे? आए ना भाई, कुछ एक्स्ट्रा फीस तो नहीं लिए ना उनसे? नहीं लिए ना, तो आप भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर बच्चे को 2 बार ऑप्शन देते ही देते, एक बार तो आए नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं आप, क्योंकि कभी कभार क्या होता जितनी चीज़ें देखते अपन उसमें से कुछ छूट जाती, कभी ध्यान में नहीं बैठती, एक ही बार में लेने की कोशिश करते अपन, मगर अपना माइंड की कैपेसिटी भी रहना होती लेने की। अभी जितना लिए उसमें से समझो एक 70% क्लियर हो गया, 30% ऑनलाइन में ले सकते हैं आप, क्लास लगता तौफीक सर का भी लगता या कभी आके भी ले सकते, ठीक है। बाकी कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहिए सर। चलिए इनके लिए एक बार 2000 क्लैप्स कर दो भाई, थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले हम बुलाएंगे विक्रांत चौहान के लिए जोरदार क्लैप्स। हाँ भाई कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। बैठो बैठो। विक्रांत एक दो अल्फाज बताओ, कहाँ से आप, क्या है, 20 दिन का सफर कैसा रहा? मैं मुंबई से हूँ। मैं फोनपिक्स हैदराबाद में आया, ठीक है, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और यहाँ से जाके कुछ मैं बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। और बाकी 20 दिन का सफर कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा रहा, नए दोस्त भी मिले? हाँ, काफ़ी दोस्त मिले नए। और मेन जो आए थे आप काम सीखने के लिए, पहले में अब में कितना डिफरेंस आ गया? काफ़ी डिफरेंट है, पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाता था, अभी आईसी लेवल पे कर पा रहा हूँ। तो कोई आना चाहे आपके महाराष्ट्र से क्या बोलना चाहेंगे? आए सीखे और कुछ करे अपने लिए। चलो अभी जाके काम कर सकते हैं आप जो सोच के आए थे। चलिए एक बार इनके लिए क्लैप्स कर दो भाई, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अजहर पाशा के लिए जोरदार क्लैप्स। ठीक है, अजहर कहाँ से है बताओ, थोड़ा क्या बोलना चाहेंगे, कोई आना चाह रहे? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर। मैं तो बेंगलुरु से आया हूँ सर। मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ इधर से, इंशाल्लाह जाके अभी बहुत काम करना है, करेंगे इंशाल्लाह। तो कॉन्फिडेंट कैसा है पहले में अब में? बहुत फर्क आया है सर, पहले तो कुछ भी पता ही नहीं था मेरे को, अभी तो बहुत चीज़ पता चल गई है जाके, और एक मोबाइल भी रिटर्न जाने के लिए नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ गया आपके अंदर? पहले तो जानकारी नहीं थी सर, कंपोनेंट्स कौन से थे, कॉइल कौन से थे, कैपेसिटर कौन से थे, अभी तो पूरा पता चल गया है, अभी कौन से लाइन्स में क्या प्रॉब्लम आएगा पूरा चेक करने का तरीका मालूम हो गया, करेंगे सर। डायग्राम रीड करना आ रहा है अभी आपको? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, इंशाल्लाह सीख लेंगे वो भी जल्दी, ठीक है। अरे वो तो है, मैं डायग्राम भी नहीं देखता था, पता ही नहीं था स्कीमेटिक क्या है, डायग्राम क्या है, अभी इधर में आके देखा है। हैंड स्किल में क्या क्या कर ले रहे अभी? अभी सर मैं हैंड स्किल में आईसीस भी डाल लेता हूँ, डबल डेकर भी हो गया है, ब्लैक प्रेस्टेड, ब्लैक प्रेस्टेड, व्हाइट प्रेस्टेड सभी हो गया है। पहले करते थे आप ब्लैक प्रेस्टेड वगैरह सीपीयू? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ का ट्रिक कैसा लगा? अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, इजी कर सक रहे? इजी कर रहा हूँ सर। 20 दिन रहे यहाँ पर आप, कहाँ से? बेंगलुरु से है ना? तो कोई आना चाह रहे हैं बेंगलुरु से क्या बोलना चाहे? बेंगलुरु से कोई भी आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, इधर में बहुत अच्छा सिखाते हैं सर लोग, और कभी भी सपोर्ट रहता है, फ़ोन में भी सपोर्ट रहता है, और इधर में लाइव में भी सपोर्ट रहता है, आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं सर, क्लियर कर सकते हैं। आप कैसा है यहाँ पर फोनपिक्स में आए कैसा? सर इधर बेंगलोर से कांटेक्ट से ले आए थे, उधर में एक इंस्टीट्यूट में पूछे थे आप ट्रेनिंग सिखा रहे हैं क्या बोल के, नहीं हमारा ट्रेनिंग नहीं है, और मैं एक नंबर देता हूँ उधर में जाइए, वो मैं भी उधर ही सीखा था बोले थे, वो नाम नहीं बताए। अच्छा। आपका नंबर दिया, फिर सर का नंबर दिया, डायरेक्ट इधर में आया। अच्छा, मतलब हमारे पास जो सीख के गए थे स्टूडेंट आपको रेफर करें? हाँ। तो उनको क्या बोलना चाहेंगे, उन्होंने भेजा है आपको? सर आपने भेजा है, थैंक यू, बहुत कुछ सीखा है मैंने इधर से, और जाके बहुत काम करना है। वाह क्या बात है, एक बार 2000 क्लास में, थैंक यू, थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन। राकेश शर्मा के लिए जोरदार क्लैप्स। राकेश हरियाणा से है, थोड़ा हरियाणा में बता दो क्या कहना चाहेंगे?
दो अल्फाज लगा यहाँ पे आकर सर, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और यहाँ पर जो सपोर्ट करते हैं वो मैंने कहीं नहीं देखा सर, और इंस्टीट्यूट की मैं वीडियो भी देखी है काफ़ी, और जो यहाँ पे सीखने को मिला है बहुत अच्छा मिला है। तो मैं अगर कोई आना चाहे तो मैं यही कहूँगा फ़ोन फिक्स हैदराबाद में ज़रूर आए। कैसा है आप यहाँ पर हैदराबाद को, कैसा है हरियाणा से, कैसे मालूम हुआ फ़ोन फिक्स के बारे में? सर हमारे यहाँ हरियाणा में सीख गए हैं बलराम शर्मा, अच्छा बहुत अच्छा करते हैं, मतलब आपको भी एक पुराने स्टूडेंट रेफर करके भेजे? हाँ, उनको मैंने देखा बहुत अच्छा करते हैं, फिर मैंने देखा मेरे को भी एक बार ट्राई करना चाहिए। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो एक चीज़ और है, वो भी यहाँ पे आए थे सीखे, जाके बहुत मेहनत करें और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आप भी आए सीखे और आपको भी जाके मेहनत करना है, जी सर, ठीक है, तभी जाके अपन आगे बढ़ सकते हैं, जी सर। बाकी ये बताओ यहाँ पे प्रैक्टिकल में सागर सर सिखाए, क्या कैसा रहा प्रैक्टिकल? अच्छा, में आपका 20 दिन का सफर रहा सर हमारा, बहुत अच्छे से, पता ही नहीं लगा 20 दिन कब गुजर गए, बहुत अच्छा सपोर्ट किया सागर सर ने। पहले क्या काम करते थे आप? पहले कुछ नहीं करते थे सर, अच्छा नहीं रहे चीज़। अच्छा फ्रेशर ही है आप, अभी क्या क्या कर ले रहे हैं हैंड स्किल में? व्हाइट पेस्ट, ब्लैक पेस्ट, डबल टेकर सभी कर लेते हैं सर। अभी कोई फेक बात तो नहीं है, व्हाइट पेस्ट खोल ले रहे हैं, ब्लैक पेस्ट कर रहे हैं, बोलेंगे फ्रेशर बच्चा कर सकता है कि नहीं, क्योंकि 8-10 साल से मार्केट में लोग नहीं करते काम, नहीं करते सर। आप पक्का कर सकते हैं ना, करें ना, यहाँ पे बोर्ड भी मिले आपको, करे भी आप। तो बाकी ये बताओ थ्योरी में कैसा पढ़ा है, थ्योरी में डायग्राम वगैरह? पहले पता ही नहीं था थ्योरी क्या होती है, डायग्राम क्या है। इसके अलावा तौफिक सर फिर सॉफ्टवेयर एमएमसी पढ़ा है, क्या बोलना चाहेंगे सॉफ्टवेयर का, कैसा रहा? बहुत अच्छा, एक एक चीज बारीकी से समझाते हैं सर। अब एक लास्ट ये बता दो, इतने इंडिया में इंस्टीट्यूट है, वहाँ नहीं जाके यहाँ क्यों आए आप, क्या अलग दिखा आपको यहाँ पे आने से पहले? मैंने देखा सर कि एक स्टूडेंट यहाँ पे पहले सीख के यहाँ पे हमारे कर रहा है, तो हम और क्यों जाए, यहाँ देख के बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बलराम को क्या बोलना चाहेंगे? बलराम को सर धन्यवाद उनका बहुत बहुत, क्योंकि किसी के थ्रू अपन थोड़ा सा भी आगे बढ़ते तो उसको भी थैंक्स बोलना भाई, क्योंकि उसके थ्रू तो आया वो बंदा, सीखा गया, वो रेफर करा तभी तो आए, नहीं तो कहीं भी जाते थे आप, बट वो बंदा आपको भेजा, तभी भेजा कि उसको भी कुछ मिला सीखने के लिए। चलिए अच्छी बात है, एक बार इनके लिए भी क्लैप्स कर दो भाई, थैंक यू वेरी मच। मकसदुल इस्लाम के लिए जोरदार क्लैप्स। मकसदुल आप कहाँ से? जी सर मैं असम से हूँ, असम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से। ओ, यहाँ फोन फिक्स कैसे आए आप? फोन फिक्स सर मैं यूट्यूब फॉलो करके आया हूँ, एक साल से देख रहा हूँ, लगता है जाऊँगा लेकिन मन में नर्वस फील हो रहा था, इतना दूर जाकर कैसे करूँगा, सर लोग कैसे ना कैसे करेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे घर के आसपास नहीं है क्या, पास में मिल जाता तो अच्छा होता, तो देखो भाई एक चीज़ ऐसी है कि हर जगह तो पॉसिबल नहीं है रहना। जी सर ठीक है। और एक बात ये बताओ, इतनी दूर आए तो कोई रहने में, खाने में या कोई लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं नहीं नहीं, आने का पहले जो मन में नर्वस फील हो रहा था, जाऊंगा जाने के बाद कैसे ना कैसे होगा, बस सब उधर में फ्रेंड का साथ मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, वो आने का बाद एकदम अच्छा लगा। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हैदराबाद बोले तो कोई गाँव है क्या, दूर दूर तक बसें नहीं दिखेंगी, दूर दूर तक दुकानें नहीं है, यहाँ पे मेट्रो सामने ही है आपके, चाहे हॉस्टल हो चाहे इंस्टीट्यूट हो, सामने मेट्रो ट्रेन है, सब कुछ बगल में है, कोई ऐसा गांव में तो नहीं है ना यहाँ पे, तो स्टेशन से भी यहाँ पे 20-25 मिनट में आ जाते हैं यहाँ पर, अगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो भी एक आधा घंटा पौन घंटे में आप पहुँच जा सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी ये बताओ यहाँ पे आप आए ट्रेनिंग कब से काम कर रहे थे? मैंने तो मेरा दुकान चला रहा था 2-3-4 साल से। 4 साल से, तो अभी पहले में और अब में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस था सर, पहले तो एक्चुअली पता ही नहीं था कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा आईसी है, अंदाजा में कहीं लग जाता है तो कहीं कहीं तो डेड मार दिए, लग गया तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा डेड हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा लगता है इतना कॉन्फिडेंस हो गया, एक भी डेड नहीं होगा। पक्का? पक्का। मैं पैसे से देखे तो नहीं बुला रहा हूँ आपसे, नहीं अपने से बता रहे ना जी। पहले देखो सारे पत्रे लगे हुए बोर्ड पे, कौन सा आईसी किधर है अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ सर, ऐसा तो नहीं कि कोई भी पत्रा खोल दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बॉर्न्यू जो है मैं एक साल से चला रहा था, एक्चुअली बॉर्न्यू से क्या क्या होता है मेरे को पता ही नहीं था, तो अभी आकर पता चला क्या क्या है, सारे कुछ है। अपन जो सीखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम चलाना, चाहे कल के दिन बॉर्न्यू बंद भी हो जाए तो बहुत सारे डायग्राम्स मिलते ही रहते हैं अपने को, ऐसा नहीं है कि बॉर्न्यू तो ये डायग्राम, दूसरों में भी बहुत सारे टूल्स है उसमें से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हैंड स्किल में बताओ, पहले क्या काम करते थे और अभी क्या क्या डिफरेंस आ गया? पहले तो दुकान में छोटा मोटा नेटवर्क ऐसी
जैसे पावर एसी, लाइट एसी कभी कभी निकालता हूँ, वो सब आइडिया में हो जाता है, लेकिन पता नहीं था कौन सा सेक्शन ये लाइट एसी का सेक्शन किधर जाएगा, किधर से किधर जाएगा, वो सब मालूम नहीं था, आइडिया पर कर लिया था। तो ब्लैक प्रेशर वगैरह कभी पहले खोलते थे? नहीं। अभी कैसा है ट्रिक यहाँ पे? अभी तो अच्छा है, मस्के जैसा खोल ले रहे जी। बोर्ड वोर्ड डैमेज तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं कुछ नहीं। पक्का? पक्का। कस्टमर का ऑन फोन दे दिया, टच काम नहीं कर रहा, सीपीयू रिमाल मारना है, 100% हो जाएगा। करेंगे ना भाई, सब लोग कर सकते हैं ना, रहेंगे तो नहीं यहाँ पे? चलो ऐसा ही कॉन्फिडेंट रहना है, अगर डॉक्टर डर जाएगा तो मरीज तो पहले मर जाएगा क्या? तो कॉन्फिडेंट हमारे अंदर रहना है, ठीक है, और उसके साथ टेक्निक ट्रिक और अच्छे टूल लगा दिए तो सक्सेस, 100% सक्सेस होगा, और पेशेंस के साथ काम करना है, ठीक है। चलो भाई इनके लिए भी 2000 क्लास कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन करा रहे हैं। संतोष सानी के लिए जोरदार क्लास। संतोष दो अल्फाज तुम भी बता दो अपने से क्या बोलना चाहेंगे, कहाँ से है पहले तो बताओ। मैं बिहार से हूँ, मधुबनी जिला से। प्रेशर है कि पहले से काम कर? फ्रेशर हूँ सर। प्रेशर है? लाइन में फ्रेशर हूँ सर। अच्छा चलो, अभी ये बताओ 20 दिन कैसे गुजरे आपके? बहुत अच्छा गुजरा, 20 दिन तो पता ही नहीं चला 20 दिन गया था। 20 दिन गए तो ये बताओ जो सोच के आए थे सीखने मिला आपको? पूरा चीज सीखने के। ऐसा तो नहीं है कि छुपा दिए, हाइड कर दिए, या दूसरों से ऐसा नीचे गिरा दिए फ्रेशर है बोल के, ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, लाइन बाय लाइन काम, सबके बराबर ही काम करे आप भी? हाँ सर। अब कॉन्फिडेंट सबके जैसा ही है कि नीचे है एकदम? नहीं नहीं ठीक हूँ। हाँ क्योंकि काम जब सबके साथ करे तो कॉन्फिडेंट भी आना है। अब एक चीज़ है, आप फ्रेशर थे, जाके अच्छे से और प्रैक्टिस करना है, कंटिन्यूसली अपना हैंड स्किल बना के रखना है और डायग्राम रीड करते रहना है। इसके अलावा सपोर्ट लेते रहना, सारा ग्रुप में सब लोग है, ठीक है। एक चीज़ है कि काम करते रहना है अपने को। तो आप कहाँ से है वैसे? मधुबनी जिला से। कहाँ आता है? यूपी, बिहार? बिहार से। बिहार से आता तो एक बिहारी सोपे भारी बोलते तो कोई बिहारी अगर आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बोलूंगा 100% आने के लिए। इतनी दूर आया बिहार से? दिल्ली में, गुजरात में, नजदीक नजदीक बहुत सारे स्टेट से वहाँ नहीं गया? मैं तो ये बहुत चीज बहुत स्टूडेंट को देखा हूँ, लेकिन मेरे सर को देखा है कैसा बनाता है फोन को, बहुत अच्छा से मैं देखा तो मैं आया, प्लस से यूट्यूब से आया, मिथिल बॉय जो है चैनल अच्छा। देख करके मैं आया हूँ। तो जो देखे थे वही है कि कुछ ऐसा कुछ फेक फेक तो नहीं बना दे रहे बिठा के, कुछ तो भी बोल दो, कुछ भी फोन पकड़ा दे रहे हैं, जियो के फोन ना देके काम करा रहे हैं आजकल मार्केट में, या तो कभी टीचर ही काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? अपने हाथ से सीपीयू वगैरह रिवॉल्व करके लगा लिए? हाँ लगा लिए, नेकी बार में लगा लिए। ऐसा तो नहीं कि अंदाजे पे लग गया, खुद से लगा ना? नहीं खुद लगाया। चलो वेरी गुड। इसके अलावा डायग्राम वगैरह रीड करने आ रहा अभी? थोड़ा बहुत है, क्योंकि फ्रेशर है, सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलो इनके लिए भी जोरदार क्लास कर दो, थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशन। इमरान शेख के लिए जोरदार क्लैप्स। दो अल्फाज बताओ कहाँ से है आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, जिला बीड से। मराठी आता आपको? नहीं आता मेरे इसी से तुम्हारा, मेरे को तेलुगु नहीं आता तुम्हारा, ठीक है। चलो कोई आना चाहे आपके गांव से क्या बोलना चाहेंगे? हमारे गांव से आना चाहते हैं, मतलब भीड़ जिले से, तो फिक्सर है, मतलब उनके सपोर्ट से तो मैं आया हूँ। अच्छा तो यहाँ पे आए, सीखो अच्छे से, अच्छे से सिखाती है सर, ये थ्योरी करते हैं, ये हैंड स्किल बताते हैं। तो ये बताओ पहले फ्रेशर है या काम कर रहे थे आप, क्या कर रहे थे? सर फ्रेशर हूँ मैं। फ्रेशर है तो अभी फ्रेशर मानते क्या अपने आपको? नहीं सर, 90% काम आता है। 90% देखो भाई इन्हें अपने से बोल रहे हैं। हाँ यस सर। क्योंकि सीखे आप मेहनत करके, आपके फादर आपके चाचा आके छोड़ के गए थे आपको, क्या बोलना चाहेंगे उनको? मामा आपका शुक्रिया, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। इतनी दूर लेके आके छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है, बात देने तो टाइम ही नहीं रहता घर वालों के, नहीं फादर आए रहे साथ में बैठे छोड़ के गए समझा के गए। और एक चीज़ है इन्हों मेहनत भी करें, बहुत सारे बच्चों को देखा मैं, पैसे तो लगा देते घर वाले, भेजा भी देते, लेकिन बच्चे के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा तो नहीं सीख सकता। तो इनके अंदर उन्होंने पैसे लगाने वाले भी मेहनत से पैसे लगा के भेजे और इन्हों भी मेहनत करे, अभी ये इनका रिजल्ट है, तो अभी जाके काम कर सकते हैं आप? यस सर, पूरा काम कर सकते हो सर, आई सी रिबोलिंग, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड हो गई, डबल डेगर हो गया, ये सब डायग्राम वगैरह? डायग्राम तो पूरा आता है सर। पक्का? 90% जितना सीखे उसको कंटिन्यूसली रखना है, छोड़ना नहीं है। अभी काम करेंगे तो एक लैपटॉप और डायग्राम उसमें रहने रहने, चाहे कोई भी टूल ले लो, बॉर्नियो ले लो, स्टेक ले लो, प्रग्मा फिक्स ले लो,
या नॉर्मल गूगल से डाउनलोड कर लो, मगर डायग्राम तो रहना है साथ में, हथियार है साथ में, अपना हैंड स्किल कंटिन्यू करो। ठीक है, कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे आपके जैसे फ्रेशर बच्चे? हमारे जैसे फ्रेशर बच्चे आना चाहते हैं तो इसमें आ सकते हैं, स्टडी में आ सकते हैं, हमारे हैदराबाद में यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं। चलिए एक बार ज़्यादा क्लास कर रहा हूँ इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या रो रहे क्या तुम?